हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये वाले न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 31 ईयर्स के हैं न्यूमेरिकल्स, तो अगर इनकी आप प्रैक्टिस कर लें तो इनफ है, इससे आपके आराम से चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजीली कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा इसके फॉर्मूले देखते हैं। ये फॉर्मूला शीट है चैप्टर नंबर 6 और 7 की कंबाइन। तो फिलहाल चैप्टर 6, तो उसके बाद में न्यूमेरिकल कराऊंगा। फिलहाल अभी चैप्टर 7 की बात हम कर रहे हैं, तो चैप्टर 7 के फॉर्मूले बताए थे। चैप्टर 7 के हमारे पास ये फॉर्मूले हैं सारे। दैट फर्स्ट फार्मूला इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स को अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इनके एक्स कॉम्पोनेंट डिस्प्लेसमेंट के एक्स कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसकी एंगल फॉर्म क्या होती है, एफ डी कॉस थीटा। सिमिलरली पावर की बात होती है, ये कन्वर्जन है जो कि एक न्यूमेरिकल में यूज होगी। पावर हमारे पास वर्क अपॉन टाइम के बराबर होता है, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो वेट इंटू हाइट के बराबर होती है। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला को पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि बेटा वर्क आपको कभी कभार इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी मिल सकता है, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी मिल सकता है, इन टर्म ऑफ अदर फॉर्म भी मिल सकता है। तो पहले मैं इनका फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्द से जल्द न्यूमेरिकल को कवर करते हैं। और ये वर्क एनर्जी इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, पोटेंशियल एनर्जी होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है। अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही हो, फोर्स लग रही हो, तो उसमें वहां पे आपके पास वर्क जो है वो हाफ एम स्क्वायर के बराबर भी हो जाता है। तो ये से कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। एंड दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेम्बर इट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स के बराबर, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आती है। ओके, नाउ लेट्स सी। तो बेटा चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसका फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला है वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डी से भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर से भी लिख सकते हैं, वेक्टर एस से भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो डी से लिख दूँ या एस से लिख दूँ, ये लिख दिया मैंने, या डी से लिख दीजिए, इसको आपकी मर्जी। आर भी लिखते तो कोई इशू नहीं है उसमें। अब हर वेक्टर के बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म होती है, जैसे वेक्टर एफ जो है वो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप के बराबर होता है। वो थ्री डायमेंशन में उसकी फोर्स आ रही है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक्स वाई जेड एक्सिस में। इसी तरीके से वेक्टर आर, ये आपके पास क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। इसको वेक्टर डी मान लें या आपकी मर्जी। तो जब इनको हम इस फॉर्म में रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट, तो डी आ जाएगा, डी की जगह क्या आ जाएगा, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जब भी बेटा डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा x वैल्यू x से मल्टीप्लाई होती है, y की वैल्यू y से मल्टीप्लाई होती है, और z की वैल्यू z से मल्टीप्लाई होती है। सिर्फ ये तीन रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, और बाकी i डॉट i
जे डॉट जे और के डॉट के, इनका रिजल्ट क्या होता है? वन हो जाता है। ये वेक्टर के चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा। और इसके अलावा आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, इन सब का रिजल्ट जीरो के बराबर होता है। तो इसलिए सिर्फ जिसमें आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, एफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एक्स से, प्लस एफ वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, y से, और j डॉट j कितना हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली एफ जेड मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू z से। तो ये आपको वर्क मिल जाएगा यहाँ से। ये इसका फॉर्मूला था वर्क का इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। इसी को हम अगर एंगल फॉर्म में लिखना चाहें तो वर्क बराबर होता है एफ डॉट d, इसको जब हम ओपन करते हैं तो किसके बराबर आता है, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब डिपेंड करता है कहीं पर ये फॉर्मूला यूज होगा, कहीं पर ये फॉर्मूला यूज होगा, ये आपको देखना पड़ेगा मैनेज। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको उसका वेक्टर का भी एक ओवरव्यू दे दिया। तो आप अगर न्यूमेरिकल जब करना होगा तो एफ एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर लिखते हैं इसका एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दें, इसका आंसर जूल में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये बता दी मैंने आपको। अब आते हैं पावर। सिमिलरली जैसे बेटा वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, इन द सेम मैनर हमारे पास पावर जो है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। अब हमारे पावर, तो पावर का एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पावर बराबर है वर्क टर्न पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, पावर किसके बराबर है, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क बराबर किसके, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम साथ ही देते, बन जाएगा फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो पावर अगर आप निकालेंगे तो इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दें, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये वी एक्स हो जाएगी, ये वी वाई हो जाएगी, और ये वी जेड के हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होंगे वो क्या क्या चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, वी एक्स, वी वाई, और ये क्या बन जाएगी हमारे पास, और ये हो जाएगी वी जेड। तो पावर का बेटा एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है, और दूसरे पावर के जो फॉर्मूले हैं वो क्या हैं, कि पावर इज इक्वल टू एफ डॉट एस अपॉन टी या फिर फोर्स डॉट वेलोसिटी। इसका डॉट प्रोडक्ट आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ वी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी पावर का है, और पावर का यूनिट आपके पास इसमें होता है वॉट्स में होता है। और इसका कमर्शियल या इंडस्ट्रीज में जब यूनिट यूज होता है, यानी कि किसी अगर आप मार्केट में जाएं और कोई भी मोटर लेते हैं तो वहाँ पे आप वॉट यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हॉर्स पावर का यूनिट यूज होता है। तो इसका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो क्या है, हॉर्स पावर है। वन हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपको याद होना चाहिए। तो ये इसका जनरल यूनिट है। जैसे बल्ब बल्ब हम लाते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कितनी पावर का है भाई, 25 वॉट का है, 18 वॉट का है, 12 वॉट्स का है, तो उसकी पावर बताते हैं। और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का क्या होता है, हॉर्स पावर। जैसे मोटर वोटर या इंडस्ट्रीज में जब हम आ जाते हैं तो मोटर खरीदने जाएं, कोई भी मशीन खरीदने जाएं, तो वहाँ पे हम उसकी हॉर्स पावर की बात करते हैं कि इस मोटर की कितनी एनर्जी, कितनी वर्क टन पर टाइम, इनकी पावर है, वो हॉर्स पावर में यूज़ किया। ठीक है बेटा, अब वर्क जो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वर्क आपके पास कभी कभार फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, कभी कभार ये
फोर्स को अगर मैं ओपन कर दूँ एम एस के बराबर भी हो सकता है, और वर्क आपके पास अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, और वर्क ही आपके पास इन टर्म ऑफ अगर कोई बॉडी ऊंचाई पर जा रही है, जैसे आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कई किस्म की होती है, हर सिस्टम की अलग होती है, इलास्टिक पोटेंशियल अलग होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होती है। हम जो पढ़ते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊंचाई पर लेके जा रहे होते हैं अगेंस्ट, तो हम इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट इनटू हाइट। तो हमारे कोर्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो डब्ल्यू इंटू एच यानी कि एम जी। तो बेटा वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो कभी कभार आप पावर फाइंड आउट कर रहे होंगे और पावर में देखेंगे कोई पर्सन जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, स्टेयर्स पे जा रहा है, तो वहाँ पे वो ऊंचाई पर जा रहा है, तो उसका जो वर्क है वो आपको किस फॉर्म में मिल रहा है, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। एक कार मूव कर रही है तो वो जो वर्क परफॉर्म कर रही है, अगर उसकी वेलोसिटी गिवन है तो वो इन टर्म ऑफ आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वर्क मिल रहा है। हाँ, अगर उसकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वर्क आप डायरेक्ट इसके एफ डॉट एस के बराबर। तो वर्क को मैं कभी कभार ये रख दूंगा, कभी कभार वर्क को मैं ये रखूंगा, कभी कभार मैं काइनेटिक एनर्जी रखूंगा, कभी कभार पोटेंशियल एनर्जी रखूंगा। तो वर्क की फॉर्म हर न्यूमेरिकल में चेंज होती जाएगी, ये वर्क आपको इस शक्ल में मिलेगा। इसके अलावा वर्क एनर्जी इक्वेशन जो है आपके पास वो जब अप्लाई होता है जब कोई बॉडी जो है फ्री फॉल मूव करे डाउनवर्ड, बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया नीचे आ रही है वो जमीन पर, तो उसके यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा। अगर यहाँ पर एयर रेजिस्टेंट फ्रिक्शन कितनी है, ज़ीरो, और अगर फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं है तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो दो चीज़ों में कंज्यूम होता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी का गेन प्लस वर्क बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन फोर्स ये आ गई, और जितनी हाइट पे वो डिस्टेंस कवर करेगी वो हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसके बेटा कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, इसको देख लेगा सही से। और ये 1 माइल जो है 176 × 3 5280 फिट के बराबर होता है, ये एक न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ेगी करना। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले बेटा बता दिए हैं। ओके, चलिए हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये हमारी बुक का न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 1A और 1B दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं इसमें से कोई एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, दूसरा वाला आप लोग खुद ट्राई करें। ओके, तो पहले हमारे पास ये सारे जो कैलकुलेट द फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स स्पेसिफाइड बाय दिस वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 1A बेटा, यहाँ पे आपको एक फोर्स गिवन है जो कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है, एंड बॉडी डिस्प्लेसिंग फ्रॉम पोजीशन B टू A। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, तो पहले इनकी पोजीशन लिख लीजिए कि वेक्टर RA कितना है आपके पास, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। फिर RB लिख लीजिए, RB कितना है, 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप।
अच्छा जी, बॉडी यहाँ डिस्प्लेस हो रही है इसको मैंने कर लिया बेटा फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। अच्छा ए से बी हो रही है, आई थिंक जो बुक में सवाल है उसमें बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम बी टू ए। अच्छा जी, तो इसमें बेटा आपको जो अहम बात याद रखने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको देख लीजिए। तो यहाँ बेटा बॉडी जो है, मान लीजिए बॉडी पॉइंट ये हमारे पास, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर ए और ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर बी। ठीक है, तो हमें इनकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि इसमें जो फोर्स लगी जिसने से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस कर दिया, तो ये है इनकी डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डेल्टा आर। तो आप डेल्टा आर मान लें या आर मान लें आपके ऊपर, तो जो फोर्स लगी इस बॉडी पर तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चली गई, तो डेल्टा आर जो है ये डेल्टा आर किसके बराबर होगा, ये डेल्टा आर बराबर होगा बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आर बी माइनस आर ए। अगर आप चाहें तो इसको हेड टू टेल रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डेल्टा आर किसके बराबर होगा। हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा आर है, तो आपको पता है किसी भी वेक्टर का हेड टू टेल रूल से अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं कैसे निकालते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की पहचान क्या होती है कि रिजल्टेंट वेक्टर टेल से टेल मिलाता है और हेड से हेड मिलाता है। तो यहाँ से कौन सा वेक्टर है जो कि टेल से टेल मिला रहा है और हेड से हेड मिला रहा है। वेक्टर ए को देखें तो वेक्टर ए एक जगह टेल से टेल मिला रहा है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए जो है वो बी के साथ हेड से टेल मिला रहा है, तो ये रिजल्टेंट नहीं है। बी को देखें तो बी एक जगह हेड से हेड मिला रहा है, सही है, लेकिन यहाँ पर ये टेल से हेड मिला रहा है, तो ये भी नहीं है। सी को देखें तो सी टेल से टेल मिला रहा है और हेड से हेड मिला रहा है, सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर जो कि बराबर होगा बाकी दो वेक्टर के साथ। अब यही थ्योरी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो देख सकते हैं कि वेक्टर आर ए आर बी और डेल्टा आर, हमें चाहिए डेल्टा आर। तो इस डायग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, अगर आप और से देखें तो यहाँ पे इस डायग्राम में ऐसा वेक्टर जो टेल से टेल और हेड से हेड मिला रहा है वो कौन है, वो आर बी, कौन है आर बी, जो टेल से टेल मिला रहा है और हेड से हेड मिला रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा कि आर बी बराबर है बाकी दो वेक्टर के सम के, आर ए प्लस डेल्टा आर। हमें क्या चाहिए, डेल्टा आर चाहिए, डेल्टा आर बेटा किसके बराबर हो जाएगा, आर ए वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये शक्ल आ जाएगी। तो डेल्टा आर ए हमारे पास बराबर आ गया आर बी माइनस आर ए। आप बस ये याद रखिए कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। बुक में सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि बॉडी जो है वो बी से ए पर जा रही है, अगर बॉडी बी से ए पर जाती तो आप क्या करते हैं, डेल्टा आर कैसे निकालते, डेल्टा आर आता आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल आर ए माइनस आर बी। ये बुक में सवाल है, उसका आंसर माइनस एट जूल आता है, देख लीजिएगा आप लोग खुद से बुक का पहला क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो हमारे पास ये बॉडी ए से बी पर गई है, तो बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए फाइनल माइनस इनिशियल, इसको याद रखिएगा, इसमें थोड़ी सी ट्विस्टिंग होती है एग्जाम में। अच्छा जी, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब इसकी वैल्यूज मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ। आर बी कितना है भाई, सेवन आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के, फिर ये माइनस साइन जो है माइनस साइन आई, माइनस के बाद पूरी वैल्यूज के साइन जो है चेंज हो जाएंगे, तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने। आर ए कितना है, टू आई प्लस फाइव जे माइनस टू के, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये सेवन माइनस टू आई कितना आया, फाइव आई कैप, प्लस का थ्री जे और माइनस का फाइव जे, तो माइनस टू जे कैप आ गया। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक आपको इतना आ जाना चाहिए, माइनस का फाइव और ये माइनस और माइनस प्लस टू के कैप कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री के कैप। ये डेल्टा आर मेरे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो बेटा वर्क किसके बराबर होगा, वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा आर
इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, हमें आंसर मिल जाएगा। डायग्राम चाहे तो बना लीजिए एग्जाम में, ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। फॉर वर्क बेटा, वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, ये आगे फोर्स की जगह, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप डॉट डॉट डेल्टा आर किसके बराबर है, फाइव आई माइनस टू जे माइनस थ्री के। मैंने आपको बताया कि इसका आंसर कैसे आता है कि x की वैल्यू x से मल्टीप्लाई रहती है, x मल्टीप्लाई बाय x, y मल्टीप्लाई बाय y, z मल्टीप्लाई बाय z। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो गया 15, ये हो गया माइनस 8 और ये हो गया माइनस का 15, जब से चला गया तो इस W का आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस 8 जूल आंसर। नेगेटिव वर्क परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ओके लेट मी चेक, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। प्लस 7 माइनस 2 5, प्लस का 3 और माइनस का 5 माइनस 2 आ गया, माइनस का 5 और प्लस का 2 माइनस का 3 आ गया। इट्स ओके। ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 8 जूल आ जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2019 में आया था फेलियर के पेपर में। तो यहाँ पे बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेसिंग बॉडी फ्रॉम पोजीशन 1 टू 2 अलोंग स्ट्रेट पाथ, द पोजीशन ऑफ वेक्टर 1 एंड 2 आर रिस्पेक्टली ए एंड बी। तो यहाँ पे सेम आपने क्या करना होगा, ए से बॉडी बी पर जा रही है तो बी माइनस ए कर देंगे। ठीक है, ये आप चाहें तो इसको खुद ट्राई कर लीजिएगा। बस आपने यहाँ पे वेक्टर फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, 2i 4j प्लस के, और इसका डेल्टा आर कितना आएगा आपके पास, डेल्टा आर फाइंड कर लेगा तो आपको 1b का सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये हो जाएगा बेटा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1c पर आते हैं। यहाँ पे गिवन है फाइंड द वर्क एंड एंगल। अच्छा, एंगल ही पूछा है उन्होंने। चले ठीक है, ये वाला सवाल कर लेते हैं। फाइंड द वर्क एंड एंगल बिटवीन, ये तो चैप्टर नंबर 2 से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो फोर्स है वो कितने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1c बेटा, फोर्स गिवन है 6i प्लस 3j माइनस 2k, और वेक्टर d कितना गिवन है डिस्प्लेसमेंट के, 2i प्लस 2j माइनस k कैप। ओके, तो इस पर आपने निकालना है, इनका वर्क डन भी निकालना है और उसका थीटा भी निकालना है। थोड़ा सा लेंदी सवाल है ये, मैं ऐसे एग्जाम में सिर्फ वर्क पूछा गया था, थीटा मैंने खुद से यहाँ पे एंटर कर दिया है ताकि सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाए। तो बेटा आप यहाँ पे वर्क भी निकालना है और उसकी जो है वैल्यूज भी निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा हम इसका वर्क फाइंड कर लेते हैं। वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो
फोर्स कितनी है हमारे पास, 6i प्लस 3j माइनस 2k डॉट डी कितना है, 2i माइनस 2j माइनस k है। तो अगेन x की वैल्यू x मल्टीप्लाई हो जाएगी, y की वैल्यू y से हो जाएगी और z की वैल्यू z से हो जाएगी। यहाँ आई कैप आई कैप में कितना है, 6 है और ये 2 है साइन के साथ, प्लस 3 माइनस 2 माइनस 2 और ये क्या है माइनस का 1, k का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो देख लीजिए क्या आ रहा है, 6 टू द 12, 3 टू द 6, 2 टू द 1, 2 वन द 2, तो बेटा देख सकते हैं आप ये हो गया 14 माइनस 6, तो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास अगेन, ये प्लस 2j कैप है, मैंने मिस्टेक से इसको माइनस लिख दिया है, सॉरी प्लस है, तो ये प्लस है बेटा, प्लस तो बेटा इसका आंसर आएगा 20j। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट आ गया है, कैप डॉट डी कितना आ चुका है 20j। फाइंड करना है बेटा तो हमें इसकी एंगल वाली फॉर्म निकालनी है, एंगल के लिए मैं इसके बैक साइड पर काम कर रहा हूँ, देख लीजिए जरा, फॉर एंगल तो यहाँ मैं बेटा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा। आपको पता है कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वर्क है यानी कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और उनका एंगल कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, फोर्स डॉट डी डिवाइड बाय एफ इनटू डी। देखें ये होता है वेक्टर और ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, तो इन दो चीज़ों में बहुत फर्क होता है। ये होता है वेक्टर एफ, इसको हम क्या कहते हैं वेक्टर एफ, ये कहलाता है मैग्नीट्यूड है यानी कि उसकी स्ट्रेंथ लंबाई वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। इसको हम यूं भी लिखते हैं और यूं भी लिखते हैं कि वेक्टर एफ को हम किस में लिखते हैं मॉडुलस में, ये लिखने का तरीकेकार होता है। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स एफ डॉट डी, एफ डॉट डी हम निकाल चुके हैं पीछे जिसका आंसर 20j आया है, अब हमें एफ और डी निकालना है बस। क्वेश्चन नंबर 1, नाउ फॉर एफ एंड फॉर डी, अब ये हम इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल रहे हैं, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ कि डी का मतलब वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड। और किसी भी बेटा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकेकार क्या होता है कि उसकी एक्स की वैल्यू का स्क्वायर, वाई की वैल्यू का स्क्वायर और जेड की वैल्यू का स्क्वायर। अब वेक्टर एफ अगर हम देखें पीछे, वेक्टर एफ हमारे पास कितना है, 6, 3 और माइनस 2, तो मैं यहाँ ये रख दूंगा इसे कंपोनेंट 6, 3 और माइनस 2, इन सब का स्क्वायर कर लें और रूट ले लें तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो बेटा ये आ रहा है 49, माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो प्लस 4 रह जाएगा, ठीक है भाई, तो आ रहा है अंडर रूट 49 जिसका मतलब 7। तो बेटा वेक्टर वैल्यू एफ कितनी आ गई है हमारे पास, 7 के बराबर, 7 यूनिट्स या न्यूटन लिख दें। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का देखते हैं हम कितना है, 2 प्लस 2 और माइनस 1, ये जो है एक्स की वैल्यू कितनी है इसका कोएफिशिएंट, 2 प्लस 2 और माइनस 1, तो D में भी रख दीजिए बिन, D हमारे पास क्या है 2i कैप
टू जे कैप माइनस के कैप, तो डी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, डी की बेटा एक्स की वैल्यू का स्क्वायर, वाई की वैल्यू का स्क्वायर और जेड की वैल्यू का स्क्वायर। तो ये टू है, ये भी टू है, ये माइनस वन है, तो आई थिंक ये बन जाएगा नाइन, और नाइन का जब हम रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री। ये हो गया हमारे पास अंडर रूट नाइन यानी कि थ्री। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई यूनिट्स। अब बेटा एफ डॉट डी हमें पता है, बट एफ डॉट डी किसके बराबर आया था हमारे पास, 20 जूल के बराबर आया, पीछे देख चुके हैं, या यूनिट्स के बराबर आया। तो पुट ऑल वैल्यूज इन वन, पुट ऑल इन वन, तो क्वेश्चन वन क्या बन जाएगी हमारे पास, समझ लीजिए चैप्टर टू का एक सवाल हो गया हमारा। तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एफ डॉट डी किसके बराबर है 20 के, एफ किसके बराबर है 7 के, और डी किसके बराबर है 3 के। तो बेटा इसका जब आप कॉस इनवर्स निकालेंगे तो आपको यहाँ से एंगल मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, कितना मिल जाएगा 17.76 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये हमारे वर्क के सारे यहाँ पे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। अब हम आते हैं पावर पे, ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो आता नहीं है एंड मैं बता दूंगा उसको आपको, पहले जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो कर लेते हैं। अब बेटा पावर पे हम आ रहे हैं, तो पावर में ये न्यूमेरिकल 1a ये बहुत आता है, और ये इसकी एक और फॉर्म है इन टर्म ऑफ 3a और 3b, दोनों सेम न्यूमेरिकल हैं, बस यूनिट सिस्टम में फर्क है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर टू पे अब हम आ रहे हैं, ये पावर के न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर टू, तो बेटा यहाँ कह रहे हैं पंप इज नीडेड टू लिफ्ट अ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर। डेटा बना लेते हैं इसका, हाइट कितनी गिवन है आपको 2.5 मीटर, एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट, 500 ग्राम पर मिनट, वॉट मस्ट बी द हॉर्स पावर ऑफ द पंप। आपने मिनिमम पावर बतानी है और हॉर्स पावर में बतानी है, तो पावर आपने बतानी है और एच पी में बतानी है। अब जरा सवाल को तो समझ लीजिए पहले, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पंप है, यानी कि मान लीजिए एक पंप लगा हुआ, ठीक है, ये पंप जो है एक टैंक में वाटर को भेज रहा है, ये टैंक, तो ये पंप इस तरह से रोटेट कर रहा है और पानी को ऊपर भेज रहा है, पानी जा रहा है टैंक, ये इसकी हाइट है 2.5 मीटर। ओके, इट्स अ पंप और ये वाटर आ रहा है। अब ये जो चीज यहाँ गिवन है 500 ग्राम पर मिनट, तो ग्राम बेटा किसका यूनिट होता है हमारे पास, मास का, और मिनट होता है टाइम का, यानी कि आपको मास अपॉन टाइम गिवन है। बच्चे इसको अलग अलग तरीके से भी करते हैं, इसको तोड़ के कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको अलग अलग कर लें। आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास मास कितना गिवन है 500 ग्राम, और टाइम कितना गिवन है 1 मिनट, ऐसे कर लें आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम, या जिस तरह से मैं करा रहा हूँ वैसे कर लीजिए, ये आपके ऊपर।
तो ये आपको टाइम मास अपॉन टाइम का रेशियो दे रहे हैं और आपको पावर निकालनी है। तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है बेटा हमारे पास कि एक पानी को हम ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं। यहाँ वर्क हमारे पास जिस फॉर्म में आ रहा है, वर्क आ रहा है इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज ऊंचाई पर जा रही है ना, तो यहाँ वर्क कैसे आ रहे हैं इन टर्म ऑफ, हमसे क्या बढ़ाते जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा जी, तो हमें इसको बेटा कन्वर्ट करना होगा, ग्राम को किलोग्राम में करना होगा। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 500 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 0.5 किलोग्राम आ गया। और 1 मिनट को जब सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, यही पता है आपको, तो 60 सेकंड हो गया। एक तरीका ये था, और एक तरीका जो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको भी देख लीजिए कि मैं ग्राम पर मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो बेटा ग्राम से किलोग्राम में लाना होगा मुझे इसको। जब मैं किलोग्राम में लाऊंगा तो क्या करूंगा, इसे 500 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 1000 से। तो इसका ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में। अब दूसरी चीज रहेगी मिनट, तो मिनट को सेकंड में कैसे करेंगे, आपको पता है कि 1 मिनट किसके बराबर है, 60 सेकंड। जहां आपको 1 मिनट नजर आ रहा है वहां आप कह देंगे 60 सेकंड, तो मिनट और ये नीचे लिखा हुआ है तो ये आ गया सेकंड और मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हमें मिल गया मास अपॉन टाइम। अब आपकी मर्जी है एग्जाम में आप इस वैल्यू को रख के सॉल्व कर लें जो कि एक साथ है, या अलग अलग रख के सॉल्व कर लें, जो आपको आसान लगे वैसे आप सॉल्व कर लें। ठीक है, आपको निकालने क्या है, पावर निकालनी है। सोल्यूशन पे आते हैं, तो यहाँ पे वर्क जो है वो इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। फॉर पावर, पावर का बेटा फंडामेंटल फार्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क के बेटा कई फॉर्म है, आपको पता है वर्क क्या, तो फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्क हमें इस फॉर्म में नजर आ रहा है। यह वर्क इज डन इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पानी को ऊंचाई पर लेकर जाया जा रहा है, हाइट पर ले जा रहा है, तो वर्क की जगह क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी अपॉन टाइम। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच अपॉन टी। यह आपने सोचना होगा कि यहाँ पे वर्क जो हो रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, कहीं कहाँ आपको वर्क जो है एफएस में मिल रहा होगा, कहीं पोटेंशियल एनर्जी में मिल रहा होगा, कहीं आपको काइनेटिक एनर्जी में मिल रहा होगा, तो वो आपने सोचना पड़ेगा। तो बेटा वैल्यू रख दीजिए, मास कितना है 0.5, जी की वैल्यू 9.8 होती है, अगर 10 लिखी भी आए तो यूज करिएगा वरना 9.8 यूज करिएगा, 2.5 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से आपकी पावर आ जाएगी वॉट्स में, लेकिन पूछी किस में इन्होंने, हॉर्स पावर में। तो इन हॉर्स पावर आप क्या करेंगे, तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वॉट के। तो हम अगर इसको डिवाइड कर देंगे 746 से, तो वॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर आ रहा है पावर 0.20 आ रही है वॉट्स। फिर जब बेटा आप इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 746, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, एचपी में आ जाएगा, और वही पूछा है। क्या है ये, 2.7 एक्सपोनेंट माइनस 4, 2.7 एक्सपोनेंट माइनस 4 आपके पास आंसर। ठीक है बेटा, तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, और ये आता है एग्जाम में। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं या इस तरह से करते हैं, आपके ऊपर। एग्जाम में कभी कभार एक मरतबा ऐसे भी आया कि इन्होंने ऊपर ग्राम रखा था, नीचे रखा था सेकंड, तो सिर्फ ग्राम कन्वर्ट हुआ था लेकिन टाइम जो था वो 1 सेकंड ही रहा था।
एग्जाम में एक मरतबा भी इस तरीके से भी आ चुका है कि वैल्यू थी कि मास अपॉन टाइम था आपके पास 500 ग्राम पर सेकंड, तो वहाँ से बेटा मास कन्वर्ट होगा, वहाँ टाइम आपके पास कितना था, 1 सेकंड था, जो कि ऐसा यूनिट है, तो इसको देख लीजिएगा सही से। देख सकते हैं बहुत मरतबा आया है सवाल, 2011, 2010, 2016 में भी आया है, ठीक है जी। अब ये सवाल भी सेम इसी पैटर्न पे कि एक मैन जो है वो ऊंचाई पर जा रहा है, 2015 में आया था, उसकी एवरेज पावर आउटपुट बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ बेटा पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 80 किलोग्राम मैन रन्स अप अ हिल थ्रू ए हाइट ऑफ 3 मीटर इन 2 सेकंड। एक पर्सन जो है वो किसी हिल पर या ऊंचाई पर जा रहा है, यानी एक पर्सन किसी बेटा ऊंचाई पर जा रहा है, ठीक है, यहाँ जा रहा है। अब उसको बता रहे हैं कि उसकी कितनी हाइट उसने कवर की है, उसका मास गिवन है, हाइट कवर की है 3 मीटर इन 2 सेकंड, तो मास है उसका 80 किलोग्राम, हाइट है 3 मीटर, टाइम है 2 सेकंड। तो बेटा एक पर्सन जो है वो ऊंचाई पर जा रहा है, एक हाइट कवर कर रहा है, तो यकीन यहाँ पर आपके पास जो वर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, पावर आपने बतानी है। तो फॉर पावर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर है वर्क इनटू टाइम, और वर्क यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh अपॉन t, और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो m हो गया 80 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3, टाइम आ गया 2, तो यहाँ से बेटा आपका पावर आ जाएगी वॉट्स में। फिर आप चाहें तो उसको इन हॉर्स पावर निकाल लें, hp, जो भी इसका आंसर आएगा उसको 746 से डिवाइड कर देंगे, आपको एचपी में आंसर मिल जाएगा। क्या आ रहा है, 1176 और 1.6, यानी कि 1176 और 1.6, ठीक है भाई, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। आप लोग जो है वीडियो को स्टॉप करके कर लीजिएगा इसको चेक दोबारा। अच्छा जी, अ क्रेन लिफ्ट अ लोड ऑफ 60 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस 15 मीटर इन 30 सेकंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट इट हाईएस्ट पॉइंट। अब ये सवाल 2018 में आया था, बच्चों ने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जगह पावर निकाल दी थी, क्योंकि उनके जहन में पावर भरी हुई थी, यानी कि एग्जामिनर ने आसान सवाल पूछा था, बच्चों ने मुश्किल जवाब दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि एक क्रेन जो लिफ्ट कर रही है लोड, जिसका लोड कितना है, वेट गिवन है आपको, ये लोड का मतलब वेट होता है 6000 न्यूटन, ये फोर्स गिवन है, तो यकीनन ये वेट है इसका, और डिस्टेंस कितना है 15 मीटर, और उसका टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करके आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल ने पूछी है पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि मैट्रिक लेवल का सवाल था लेकिन बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी, बच्चे हैरान हो गए थे पोटेंशियल एनर्जी क्यों पूछ ली, पावर पूछनी चाहिए। तो
तो वेट गिवन है बेटा 6000 न्यूटन और डिस्टेंस गिवन है आपको 15 मीटर या वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट भी कह सकते हैं और टाइम गिवन है 30 सेकंड। लेकिन पूछे क्या उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी पूछे, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वेट इनटू हाइट। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे पावर नहीं पूछी आपसे, आप पावर नहीं फाइंड करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, वेट कितना है 6000 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी 15, ये जूल में आंसर आ जाएगा। बस इतना सा सवाल था, बच्चे सब इसमें पावर निकाल के आ गए, भाई जो पूछा है वो तो बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बता नहीं रहे, पावर बता रहे, कह रहे सर टाइम क्यों दिया हुआ है, भाई टाइम कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ आपको। तो इसकी जो है हमारे पास इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 9000 जूल आएगी। अगर आपको पावर निकालनी है निकालें, लेकिन कम से कम पोटेंशियल एनर्जी तो अलग से दिखाएं, 90000 ये आ गई 90000 जूल। ये सवाल यहाँ खत्म हो गया, पावर नहीं पूछी उसने, अगर मैं निकालू तो मैं एक्स्ट्रा काम कर लू। पोटेंशियल एनर्जी कितनी 90000 डिवाइड बाय टाइम कितना है 30, तो यहाँ से आपको पावर मिल जाएगी, चाहे तो उसको हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट कर देगा। लेकिन पूछा सिर्फ ये है, ये नहीं पूछा उन्होंने। ठीक है जी, 3000 आ गया। तो ये सवाल था आसान, इजी, 2018 में आया था, बच्चों ने इसमें बहुत ज्यादा करके आ गए थे। जो पूछा है बेटा वो तो देख लीजिए, आगे खोल के देखिएगा कि क्या पूछा है इसने, आसान सी चीज पूछी, पोटेंशियल एनर्जी बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द हॉर्स पावर इफ इंजन पुल्स अ ट्रेन विद फोर्स एंड वेलोसिटी, यहाँ पे फोर्स एंड वेलोसिटी दी हुई है। व्हाट इन हॉर्स पावर यूज व्हेन इंजन पुल्स अ ट्रेन विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी कि ये इसका वेट गिवन है या फोर्स गिवन है एट 96 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6A। क्वेश्चन 6A क्या है हमारे पास, डेटा में लिख लेता हूँ उसका बेटा, हमें फोर्स गिवन है यहाँ पर 2000 न्यूटन है और ये किलोमीटर पर आवर यानी कि वेलोसिटी गिवन है, तो आई थिंक ये यहाँ पता चल गया होगा 96 किलोमीटर पर आवर। और आपको क्या बतानी है इसकी, तो एक इंजन जो है वो पुल कर रहा है, मान लीजिए इंजन है, ये पुल कर रहा है किसी लोड को, ठीक है, अपनी तरफ फोर्स है, तो फोर्स भी इस तरफ है और इसकी वेलोसिटी भी, ये कोई बॉडी है इसको क्रेन को, इसकी वेलोसिटी भी इस तरफ है, तो फोर्स और वेलोसिटी दोनों पैरेलल हैं, फोर्स और वेलोसिटी दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा कितना हो गया इनके दरमियान 0 डिग्री। फिर क्या कह रहे हैं आपसे, तो ये 9 किलोमीटर पर आवर को बेटा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें, कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 जिससे ये मीटर हो जाएगा, डिवाइड बाय 3600 सेकेंड हो जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास मीटर पर सेकेंड में, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। फिर क्या कह रहे हैं, आपने क्या बतानी है, पावर बतानी है और हॉर्स पावर HP। तो पावर का बेटा एक फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी या FV cos थीटा, अगर थीटा कहीं गिवन ना हो तो थीटा को 0 या 1 मान लिया करें, उसका पूरी वैल्यू को क्या मान लिया करें, 1 के बराबर, तो FV हो जाएगा ये cos 0 डिग्री, तो फोर्स
वी, इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अच्छा जी, इसका आंसर क्या आ रहा है? 96 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, 26.67, 26.67। अच्छा जी, तो फोर्स कितनी है? 200 मल्टीप्लाई बाय 26.67, तो पावर आ जाएगी वॉट्स में। उसको फिर आप कन्वर्ट कर लीजिए इन एचपी डिवाइडेड बाय 746, पावर आ जाएगी एचपी में। एग्जाम में आंसर इस तरह से मार्कर से बोल्ड करके लिखिएगा। बेटा कितना आ रहा है? 7.14 एचपी आ रहा है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7.14 एचपी। ये कितना आ रहा है? 5333.3। ठीक है जी, ये वाला सवाल भी हमारा हो गया। अभी ये दोनों के दरमियान पावर निकालनी है, इसका एंगल नहीं निकालूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम में से इनका जो है वो पूछा गया था, तो फोर्स और वेलोसिटी गिवन, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा बेटा। जैसे हमने वर्क निकाला था बिल्कुल वैसे ही आप फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जगह फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। एक्स की वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? इनका वर्क मिल जाएगा। ठीक है जी, तो उसको जल्द से जल्द कर लेते हैं। क्वेश्चन 6B। क्वेश्चन 6B, तो बेटा फोर्स कितनी है? 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको? 2i माइनस प्लस 2j माइनस के गए। आपने बताना है वर्क, वर्क बताना नहीं, पावर है, सॉरी। तो पावर बेसिकली बेटा क्या आ जाएगा? फोर्स डॉट वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। जल्दी से डॉट प्रोडक्ट रख लीजिए इसका, तो 6i माइनस 3j प्लस 2k मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी? 2i प्लस 2j माइनस के। पता है डॉट प्रोडक्ट में एक्स की वैल्यू एक्स से, वाई की वैल्यू वाई से, जेड की वैल्यू के की वैल्यू के से, तो ये 6, 2 माइनस 3 प्लस 2, 2 माइनस 1, तो आपको यहाँ पे पावर मिल जाएगी वॉट्स में। ठीक है, इसका आंसर देखने का क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 4 वॉट। बस इसमें एंगल नहीं बता रहा मैं, एंगल आप लोग खुद ट्राई करिएगा निकाल के। एंगल नहीं पूछा गया था एग्जाम में, सिर्फ वर्क पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7A पे आ रहे हैं बेटा हम लोग। ये सवाल भी एक आध दफा ही आया, 93 के बाद कभी नहीं आया। सवाल को पहले समझ लेते हैं कि आ मेटल स्फीयर ऑफ 50 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्प्रिंग। क्वेश्चन 7A, तो बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मेटल स्फीयर जो है suspended by a light spring,
ऑसिलेट स्फीयर 1.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट एंड 0.7 मीटर फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट. फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम मोमेंटम. अच्छा जी, अजीब सा सवाल है. तो बेटा सवाल में कहने कि एक मेटल स्फीयर जो है जिसका वेट कितना है, इसका मास लिख लेते हैं पहले डेटा इसका. तो 50 ग्राम को किलोग्राम में करेंगे डिवाइड बाय 1000, 0.05 kg हो जाएगा. ठीक है जी. फिर कहने के ये जो है वो सस्पेंड हुआ है, बताने के फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम मोमेंटम. आपने इसकी स्पीड बतानी है और मोमेंटम बतानी है. अब ये बीच में जो जुमला आया है इनका, ये बड़ा अजीब सा है. व्हेन इट ऑसिलेट स्फीयर, ये वाली बात. Sphere 1.7 meter from its highest point and 0.7 meter from its lowest point. अच्छा बेटा इसको समझिएगा कि हमारे पास एक मेटल स्फीयर है, इसका मास लिखा हुआ है, वेलोसिटी और मोमेंटम बताना है बेटा आपने. तो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है और ये सरफेस है ग्राउंड. तो ग्राउंड से बेटा इसकी जो ये वाली हाइट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड है और ये लोएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड है. तो इसको मैं कह रहा हूँ H2 और इसको मैं कह रहा हूँ H1. और ये जो हाइट आएगी ये कहलाएगी एच. हमें फिलहाल एच से काम है. तो ये एच टू कितना है बेटा हमारे पास, क्या कह रहे हैं 1.75 मीटर. ये हाइट है 1.75 मीटर और ये हाइट है 0.75 मीटर. तो बेटा एच कितना हो जाएगा, एच टू माइनस एच वन, 1.75 माइनस 0.75, तो 1 मीटर हमारे पास इसकी क्या आ गई, हाइट आ गई. इतनी इसी बात को इन्होंने इतना घुमा के कहा है. तो बात सुन लीजिए, ठीक है. व्हेन इट ऑसिलेट इट्स स्फीयर इज 1.75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एट इट हाईएस्ट पॉइंट. फ्रॉम द ग्राउंड एट इट हाईएस्ट पॉइंट, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है. इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाएगा जब ऑसिलेट कर. और ये लोएस्ट पॉइंट, ठीक है जी. तो इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा होता है कि बॉडी जब यहाँ पर आती है तो इस पॉइंट से जब यहाँ पर आती है बॉडी बेटा, तो उसकी जो हाइट है यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. तो हम यहाँ पर फॉर वेलोसिटी के लिए हम ये भी लगा सकते हैं कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतने काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा. कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम जी स्क्वायर. एम से एम खत्म तो वी किसके बराबर आ गया आपके पास, 2gh स्क्वायर अंडर रूट 2gh. मैं यहाँ पे अगर चाहता तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकता था, ये वाली 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, उससे भी यही मिलता. ठीक है, बॉडी जब यहाँ से इधर आएगी तो उसकी
इसमें यहाँ पे जाके पेंडुलम जो रुकता है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या होती है, जीरो होती है, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अगर ये वी आई है और ये वी एफ है तो आप इससे भी कर सकते हैं, जी के वैल्यू 9.8 की जगह जी आ जाएगा, तो यहाँ से आपको वी मिल जाएगा 29.8 इंटू हाइट 1 आ गई मीटर पर सेकंड। और फिर फॉर मोमेंटम के लिए आप क्या करेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो बेटा मास आपको पता है, वेलोसिटी आपके पास है, 0.05 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा इसका न्यूटन सेकंड। अच्छा जी, अब कैलकुलेटर चलाना है, बस आप कैलकुलेटर चलाइए, आपको आंसर मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 का रूट लिया, फोर पॉइंट टू टू वन। ठीक है जी, तो बेटा ये हमारे पास का जो है वो सवाल का आंसर आ चुका है। तो ये हमने पावर के तकरीबन सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अच्छा जी, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं, कोशिश करूँगा आज की क्लास में जितने हो पाते हैं मैं करा देता हूँ, बाकी फिर मैं। अच्छा जी, अब ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ हॉर्स पुल अ कार्ट, तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको समझ में बेटा आ गया होगा। A horse pull a cart horizontally with force of 40 newton at an angle of 1.5 above the horizontal and move with speed of this. How much work will the horse do in 5 minutes? ठीक है भाई, दो सवाल हैं, एक मतलब SI यूनिट में आया हुआ है और ये CG उसमें FPS में है आपके पास सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 3A, कह रहे हैं अ हॉर्स पुल अ कार्ट हॉरिजॉन्टली विद फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 2.5 डिग्री। एक हॉर्स जो है वो किसी कार्ट को हॉरिजॉन्टली बेटा ड्रैग कर रहा है, और कितने एंगल पे कर रहा है, 40 न्यूटन पे, 25 डिग्री पे कर रहा है। ठीक है जी, तो आपके पास बेटा यहाँ पे फोर्स कितनी है, 40 न्यूटन है, थीटा कितना गिवन है, 25 डिग्री गिवन है, इसके अलावा ये वाला सवाल हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। हॉरिजॉन्टल एंड मूव विद द स्पीड ऑफ, स्पीड गिवन है आपको वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। हाउ मच वर्क डन, टाइम गिवन है आपको 5 मिनट्स, आपने वर्क बताना है और पावर बतानी है, और पावर भी हॉर्स पावर में बतानी है। ठीक है जी, सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा, सबसे पहले कुछ चीज़ कन्वर्ट हो रही है, तो 5 मिनट को सेकंड में कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। तो एक हॉर्स जो है वो किसी कार्ट को या किसी मशीन को जो है वो ड्रैग कर रहा है विथ फोर्स दिस, और उसकी जो एंगल है वो इतना बन रहा है, तो फॉर हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है और पावर निकालनी है, फॉर पावर।
अब बेटा वर्क का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन है। तो हमें अल्टीमेटली पहले यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेगी, पहले हमें यहाँ पे, हाँ एक काम हो सकता है कि आपको पता डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम के, तो हम इस तरह से करेंगे कि वर्क बराबर किसके है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस, और एस की जगह क्या आ जाएगा, वी टी आ जाएगा। इसको ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एफ एस कॉस थीटा, और एस की जगह बेटा हम क्या लिख देंगे, एफ कॉस थीटा, और एस की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से आपको वर्क मिल जाएगा, फोर्स कितनी है 40, वेलोसिटी कितनी है 15, टाइम कितना है 6 5 30 300, और कॉस 25। तो यहाँ से बेटा आपको वर्क मिल जाएगा जूल में। पावर पे आते हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। थोड़ा सा ना आपको फॉर्मूलों में देखना पड़ेगा, डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस की जगह आपने एस इजिकल टू बी टी रख दिया, डी इजिकल टू बी टी, थोड़ा सा आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इसको यूं भी कर सकते हैं, या फोर्स इनटू वेलोसिटी से भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, एफ वी से कर लें। वैसे तो हमें वर्क मिल जाएगा ऊपर, एफ वी कॉस थीटा अपॉन टाइम से कर लें, मर्जी है भाई। पावर वर्क ऊपर मिलेगा, उसको आप टाइम से डिवाइड कर देंगे 300 से, तो पावर आ जाएगी आपके पास वॉट्स में। फिर आप पावर को किस में फाइंड आउट करेंगे, इन टर्म ऑफ एचपी। पावर क्या हो जाएगी, डैश डिवाइड बाय 746, तो पावर बेटा आपके पास किस में आ जाएगी, हॉर्स पावर में आ जाएगी। ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ उसको, आप लोग उसको खुद ट्राई करिएगा, इसका आंसर निकालेगा। तो वो वर्क कितना आ रहा है, 16135.4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगी पावर, आ रही है हमारे पास 544 वॉट्स में आ रही है, उसमें 0.72। ओके जी, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये वाला, इसमें बस फर्क ये है कि आपको सिस्टम जो है वो फोर्सेस आपको पाउंड्स में गिवन है, एंगल है, स्पीड आपको माइल्स पर आवर में गिवन है, तो आपको माइल्स को जो है ना फिट में लाना पड़ेगा। और वन हॉर्स पावर जो है वो 550 फुट पाउंड्स के बराबर होता है। तो सवाल को मैं इसी पे कर रहा हूँ, क्वेश्चन 3B। तो मैं इसी के ऊपर इसको बेटा रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे तो सिर्फ कन्वर्जन आपको ज़्यादा करनी होगी, बाकी इतना कोई काम नहीं है इसमें, मेथड यही है इस सवाल का। अच्छा जी, तो क्वेश्चन 3B में हमारे पास डेटा क्या है, डेटा लिखा बेटा मैं आपके पास, यहाँ पे कार हॉरिजॉन्टल फोर्स 60 pounds, तो ये आ गया 60 pounds को हम LB से लिखते हैं। एंगल कितना है 30 degrees, और हॉरिजॉन्टल मूविंग स्पीड कितनी है, वेलोसिटी आपके पास 8 miles per hour। और माइल्स पर आवर को हमें फिट पर सेकंड में करना होगा। हाउ मच वर्क इज डन इन 15 मिनट्स, टाइम कितना दिया हुआ 15 मिनट्स, और क्या निकालना है, वर्क निकालना है और पावर निकालना है। अच्छा जी, तो बेटा ये कन्वर्जन जो है, इन कन्वर्जन को आप जरूर जहन में रखिएगा, ये कन्वर्जन आपको गिवन होगी, उनको यूज करना है आपने।
सेवन एच पी किसके बराबर है, 550 फिट पाउंड, और 1 माइल किसके बराबर है, 5280 फिट के बराबर। तो ये हमारे पास जो है वो एफ पी एस सिस्टम है, जिसमें आपके पास जो है एफ पी एस यानी फुट, पाउंड और सेकंड, ये सिस्टम चलेगा। तो माइल्स को बेटा फिट में करना है, 1 माइल किसके बराबर है, 8 × कितना हो जाएगा, 5280, इससे किस में आ गया, ये फिट में आ गया। अब नीचे आ रहा है आवर, तो 1 आवर कितने सेकंड के बराबर होता है, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये वेलोसिटी हमने कन्वर्ट कर दी, फिट में फिट, पाउंड्स पाउंड्स, टाइम को सेकंड में करें तो मिनट किस में जाएगा, 15 × 60 सेकंड्स। ठीक है जी, और यहाँ पे जो हॉर्स पावर की कन्वर्जन आएगी कितनी आएगी, 550। तो हॉर्स पावर के लिए आप 550 से डिवाइड करेंगे। चलें जी सवाल पे आते हैं। तो पूरा सवाल वैसे ही है, फोर्स वर्क निकालना है और पावर निकालनी है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट को आपने लिख दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी टाइम आ गया, डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं था। ठीक है जी, तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यूज, फोर्स कितनी है 60 पाउंड, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी की वैल्यू को मेरा कैलकुलेट कर लेगा, 8 × 5280 / 3600, फिर टाइम है, टाइम कितना है भाई, 15 × 60, और कॉस 30 डिग्री। इसका जब आप आंसर निकालेंगे वर्क कितना आ जाएगा आपके पास, अल्लाह भला करे, 548713.7 548713.7, और इसका जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, पावर आ जाएगी 609.68। ठीक है जी, तो इसका वर्क आ गया हमारे पास, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके बेटा आप लोग खुद से। और फिर इसको जब हम हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे तो वर्क अपॉन टाइम, ये वर्क की वैल्यू है 548713.7 डिवाइड बाय 15 × 60, टाइम कितना है 15 × 60, फिर इस आंसर को जब हम 609.68 को डिवाइड करेंगे 550 से, तो 1.11 एचपी आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बस मैं यहीं तक इस पर रख रहा हूँ। सकता है आंसर की कैलकुलेशन में कोई मसला हो, लेकिन डेटा मैंने आपको बिल्कुल सही बना के दे दिया, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो बेटा सारे सवाल हो गए हमारे। अच्छा जी, ये सवाल 2018 में आया था, इसमें भी है, ब्रिक ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एट हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये सवाल भी आसान था कि आपको यहाँ पर जो है वेलोसिटी पूछी गई है, तो वेलोसिटी में डिस्टेंस कवर होगा वो टोटल हाइट में से आप 3 मीटर को माइनस कर देंगे तो 2 मीटर डिस्टेंस यूज होगा उसमें। तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको 9C बता रहा था अभी,
ये इंटर कन्वर्जन के हैं हमारे पास, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मास कितना है 2 किलोग्राम और हाइट कितनी है 5 मीटर. व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 3 मीटर अबव. आपने बतानी है वेलोसिटी कितनी हाइट पर एट 3 मीटर अबव. सवाल को पहले समझने के एक बॉडी जो है वो यहाँ से ड्रॉप की गई और ये इसकी टोटल हाइट है बेटा 5 मीटर. इसको तो हमने कह दिया ठीक है एच कह दी. फिर कहें जब ये बॉडी कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई, कितनी ऊंचाई पर, ये मान लीजिए 3 मीटर. 3 मीटर पे जब ये बॉडी पहुंच गई इस पॉइंट पर, तो आपने बतानी है इसकी वेलोसिटी. इस पॉइंट पर आपने क्या बतानी है बेटा, इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट. तो इस दौरान इसने ये डिस्टेंस कवर किया है बॉडी में, और डिस्टेंस कितना होगा यकीनन अगर आप माने इस पॉइंट से, तो ये हाइट बेटा अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये टुकड़ा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा. तो ये x कितना आ रहा है हमारे पास, मान लेते हैं इसको हम x, x कितना है 2 मीटर. तो हमें वेलोसिटी बतानी है, इसको h1 मान लें, इसको h2 मान लें. हमें वेलोसिटी बतानी है 2 मीटर पे, क्योंकि x बराबर हो जाएगा h2 माइनस h1. ठीक है जी. तो बॉडी जब यहां से यहां पहुंची है तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है. अब इसमें आप फ्री फॉल का फॉर्मूला लगा दें या लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक लगा दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है जी. वेलोसिटी बतानी है आपने, दो तरीकों से कर सकते हैं आप इसको. एक तो 2gh = vf² - vA². दूसरा तरीका क्या है कि फॉर वी तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का लॉस बराबर है काइनेटिक एनर्जी के गेन के. ठीक है. तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस आया है वो कितना है, इतनी हाइट कवर की है बॉडी ने, ये वाली हाइट, ये डिस्टेंस कवर किया है. एम जी एक्स यानी कि h2 - h1 और ये जाएगा 1/2 mv² एम से एम खत्म. तो वी किसके बराबर हो जाएगा, √2gx के बराबर हो जाएगा. इस तरह से कर लें, ऐसा से कर लें, थर्ड इक्वेशन लगा के. तो बॉडी बेटा जब यहाँ पे थी तो उसकी वी आई क्या थी, 0 थी. यहाँ पे उसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है तो उसको हम वी को हम क्या मानेंगे, वी एफ मानेंगे. तो वी आई तो 0 है, तो वी एफ किसके बराबर हो गया, √2gx. क्योंकि बॉडी ने जो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, एक्स के बराबर 2 मीटर. तो वी हो जाएगा √2 9.8 × 2
आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6.26। ठीक है जी, ये भी हो गया। ये सवाल भी इसी तरह का, बॉडी को जो हमने अपवर्ड थ्रो किया है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है। और पूछा जा रहा है कि उसकी आपने इनिशियल वो बतानी है। तो इस सवाल को भी बेटा आप जो है वो इसी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बॉल इज थ्रोन, उसका मास कितना है बेटा, मास 100 ग्राम। 100 ग्राम कितना हो जाएगा, 0.1 kg हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 से। रीच इज हाइट, हाइट कितनी है, 9.8 मीटर पे जा चुकी है। सही, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। आपने इनिशियल वेलोसिटी बतानी है और काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियली बतानी है। और फ्रिक्शन आपने माननी, फ्रिक्शन 0 है यहाँ पर, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड माननी है। अच्छा जी, तो बेटा कह रहे हैं एक बॉडी को जब आपने ऊपर थ्रो किया है यहाँ से, ये बॉडी यहाँ जाएगी ऊंची हाइट पर जाके रुक जाएगी, तो उसकी वीएफ क्या हो जाएगी, 0। और वीआई जिससे आपने इसको थ्रो किया है वो बतानी है, और उसी के आपने काइनेटिक एनर्जी बतानी है। और हाइट कितनी है इसकी, एच गिवन है 9.8 मीटर। तो यहाँ फॉर वी आई हम क्या लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, एम जी एच। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, एम जी एच के बराबर आ गया। एम कितना है, 0.1, ये 10 के बराबर है, और हाइट कितनी है, 9.8। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी जूल में। फिर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है फॉर इनिशियल वेलोसिटी, तो आप इसी फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को ओपन कर दें कि के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के, या फिर इससे निकाल लें कि 2gh = vf² - vi². यहाँ पे वी आई जो है वो आपको मालूम करनी है। और जब भी बॉडी ऊपर जाती है हम ग्रेविटी को नेगेटिव मानते हैं इन फॉर्मूलों में, इससे निकालेंगे तो और आसानी से आएगी। तो वी बराबर हो जाएगा vi ke i। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट 2ke/n। तो यहाँ से आपको वी आई मिल जाएगी मीटर पर सेकंड। इससे भी निकाल सकते हैं आप कि आपके पास जो है वो वी एफ तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर बॉडी की वी आई 0 हो रही है, और जी यहाँ पर हम नेगेटिव लेते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूटन इक्वेशंस में, इसमें नहीं लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस वी आई स्क्वायर जाएगा 2gh, और g की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसके नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। तो वी आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2gh के, इससे निकाल लें आप। दोनों सूरतों में आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, इससे भी वही आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 14 और 9.8। ये आंसर आ रहा है 9.8 और ये आ रहा है 14। चेक कर लेगा आपने, इससे और इससे दोनों से सेम आंसर आया। अच्छा जी, कार अपने मूविंग दूसरी लोकेशन फॉर सेटिंग ऑन है, तो ये सवाल भी एक मरतबा आया है, फिर कभी नहीं आया।
इस सवाल में बस एक चीज़ का वो था कि गाड़ी जब मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर उस पर एक्ट कर रही है, क्वेश्चन नंबर 9A की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर उसके ऊपर एक्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है उसकी एक्सेलरेशन कम हो रही होगी, उसकी जो अप्लाइड फोर्स है वो कम हो रही होगी, इंजन की फोर्स, तो उसकी जो फाइनल स्पीड आएगी वो इनिशियल से कम आएगी, यानी इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव मिलेगा आपको। इसके हिंट देके बस मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर मुझे 3 न्यूमेरिकल कराने हैं आपको, बस दैट विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर। तो नाइन 2007 में आया था, फिर कभी नहीं आया सवाल। क्वेश्चन 9A, एक कार है बेटा, उसका वेट गिवन है आपको 9800 न्यूटन, तो यहाँ से आप इसका जो है मास निकाल लेंगे कार का, मास क्या हो जाएगा, वेट अपॉन जी के, मूविंग वेट 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है, इनिशियल स्पीड होगी, फ्रिक्शन फोर्स पे ऊपर एक्ट कर रही है 2000 न्यूटन, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। हाउ फास्ट कार मूविंग व्हेन इट ट्रैवल्ड 60 मीटर, डिस्टेंस कवर किया इसने 60 मीटर, हाउ फास्ट यानी कि वीएफ बतानी है। तो यहाँ पे जो बेटा की पॉइंट हमारे पास आता है, देखें कार मूव कर रही है, ये कार है, ये मूव कर रही है, इसकी इनिशियल रफ्तार जो है वो मान लीजिए 25 है, फिर कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो कि इसको अपोज कर रही है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो जब इसमें बेटा अपोजिट एक फोर्स लगेगी तो आप खुद बताइए कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो 25 से ज्यादा होगी या कम होगी, वो हमेशा 25 से कम होगी, क्योंकि ये फोर्स फ्रिक्शन लग रही है, इसको एक्सेलरेट कराने वाली फोर्स नहीं लग रही, उसकी बात नहीं कर रहे, एक गाड़ी को रोकने वाली फोर्स लग रही है, तो यकीन है उसकी फाइनल रफ्तार जो आएगी वो 25 से तो कम आएगी, बात तय है, और वो कैसे कम आएगी, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो इसका अगर मैं मास निकाल लूं 98 डिवाइड बाय 9.8, तो आई थिंक इसका मास आ जाएगा 1000 kg, ठीक है जी। तो अब इस शर्त पे हमें निकालनी क्या है, हमें निकालना है VF, सॉल्यूशन पे आते हैं, तो यहाँ पे 3rd इक्वेशन ही लग सकती है फॉर VF, फर्स्ट लगा नहीं सकते, तो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, यहाँ से हमें वो मिल जाएगी। मसला A का है तो फॉर A के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको लगाएंगे फोर्स के बराबर है, फिजिकल टू एम, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स है तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, बिकॉज इट्स अ फ्रिक्शन फोर्स, 200 माइनस के साथ डिवाइड बाय मास 1000, तो ए विल बी माइनस 2 m/s², ये माइनस क्यों आया है बेटा, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स इस गाड़ी को रोक रही है, इंजन को रोक रही है, इसको एक्सेलरेट नहीं कर रही, इसको डिसेलरेट कर रही, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहाँ प्लस लगा देते हैं और पूरा मामला खराब हो जाता है। अब यहाँ से जब आप VI निकालेंगे, VF कितना हो जाएगा, VI वहाँ चला जाएगा, 2AS प्लस VI स्क्वायर,
तो वी एफ बराबर हो जाएगा अंडर रूट टू ए एस प्लस वी आई स्क्वायर। वैल्यूज रखिए, ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, एस कितना है 60 और प्लस वी आई कितना है 25 का स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 625 और ये कुछ वैल्यू आएगी, ये माइनस 240 आएगा। बच्चे इसको ऐड कर देते हैं तो वी एफ का आंसर आ जाएगा आपके पास 19.656 मीटर पर सेकंड। बच्चे इसका आंसर 29 निकालते हैं कि वो एक्सेलरेशन को प्लस मानते हैं या प्लस कर देते हैं। खुद बताइए, अगर एक गाड़ी पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही है तो उसकी फाइनल रफ्तार बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, उसकी फाइनल रफ्तार तो कम हो जाएगी, 19 आएगी। बच्चे इसको 29 निकालते हैं जो कि गलत आती है। तो बस यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट था कि ये फ्रिक्शन फोर्स है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ये मैंने आपको करा दिया। ये वाला भी इसी तरह का ही है, इसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। अब मैं ये करा रहा हूँ आपको, पहले वर्क एनर्जी क्वेश्चन वाला कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप हुआ है हाइट से और इसमें डायरेक्ट वर्क एनर्जी क्वेश्चन लग जाए। हाँ बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा पहले मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो हाइट कितनी गिवन है बेटा, 10 मीटर है एंड इट हिट्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। हाउ लार्ज द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बतानी, यानी कि ये बॉडी यहाँ ड्रॉप हो रही है और उसका ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 98 न्यूटन। तो बेटा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप हो रहा है एक हाइट से और उसमें फ्रिक्शन फोर्स मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्क एनर्जी क्वेश्चन लगाएंगे इन टर्म ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, उन्होंने हाइट बता दी कि इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर, इसकी जब यहाँ पे गिरा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है गिरने से पहले 12 मीटर पर सेकंड और इसका वेट कितना है 98। तो वेट से आप इसका मास निकाल लें, मास होता है वेट अपॉन ग्रेविटी के, जैसे डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो 98 डिवाइड बाय 9.8 का मास आ जाएगा आपके पास आई थिंक 10। किलोग्राम का मास आ गया। तो बेटा यहाँ पे जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है दो चीज़ों में कंज्यूम हो रहा है, फ्रिक्शन में प्लस काइनेटिक एनर्जी।
तो फॉर फ्रिक्शन फोर्स यूजिंग वर्क एनर्जी इक्वेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क बाय फ्रिक्शन. तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो जाएगा आपके पास एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका मतलब हो जाएगा एफ इंटू एच. वर्क बाय फ्रिक्शन का मतलब इंटू एच. तो हमें एफ निकालना है, तो बेटा रख दीजिए इसको पॉइंट, इसको क्या हो जाएगा, ये एफ बराबर हो जाएगा एम जी एच. ये वैल्यू पहले यहाँ चली जाएगी, एम जी एच माइनस 0.5 एम वी स्क्वायर. मैंने 1/2 को 0.5 लिख दिया है, इंटू एफ एच. तो एफ कितना हो जाएगा, एम जी एच माइनस 0.5 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच. जब इन सब की आप वैल्यूज रख देंगे तो आपके पास फ्रिक्शन का आंसर कितना आ जाएगा, हाउ मच न्यूटन. वैल्यूज प्लेस कर देगा भाई सबकी, 26 न्यूटन आंसर आ जाएगा. तो हमने यहाँ पे इसलिए फ्रिक्शन फोर्स का वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बॉडी जब नीचे गिर रही है, फॉल हो रही है, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10A एंड 10B दोनों सेम है. मैं 10A करा रहा हूँ पहले आपको. में कभी आया था ये, बहरहाल अच्छा सवाल है, कर लेते हैं. इस सवाल को बेटा पहले समझिएगा. अ हैमर इज हेड ऑफ मास 4 किलोग्राम. एक हैमर है, उसका मास कितना है, 4 किलोग्राम. इज यूज टू ड्राइव अ नेल, जो कि किसी नेल को बोर्ड में यानी कि कील को बोर्ड में इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है. द वर्कर मेयरली अलाउ हैमर टू ड्रॉ फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर. इफ द नेल पियर्स 0.6 सेंटीमीटर फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स एंड रिटार्डेशन. तो आपने रिटार्डिंग फोर्स बतानी, इनके फोर्स नेगेटिव आएगी, उसका एक्सप्रेशन भी नेगेटिव आएगा. चलें इसको सवाल को पहले समझ लीजिए बेटा, अच्छा सवाल है. देखें बेटा, एक हैमर है, ठीक है, और एक हैमर जो है वो एक समझ लीजिए ये नेल है. ये इतनी हाइट से ड्रॉप हुई है 60 सेंटीमीटर. एक वर्कर ने हैमर को ड्रॉप कर दिया, ये नेल पे आके लगी है. नेल पे जैसे आके बेटा लगी है तो उसने क्या किया, नेल को कितना अंदर इंसर्ट कर दिया, नेल अंदर घुस गई, पियर्स्ड हो गई, कितना 0.6 सेंटीमीटर. यानी इसने यहाँ पे आके इस पे फोर्स अप्लाई की, और ये इतना अंदर पियर्स टू एंटर. तो इस कंडीशन पे आपने बताना है कि इस पर कितनी फोर्स लगी.
ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखें हुआ क्या है। एक बात तो है कि ये नीचे गिरा है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया है। किस में लॉस आया है? पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, और वो किस में कन्वर्ट हुआ है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही कहेंगे आप लोग कि सर काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है, लेकिन बेटा ना यहाँ वेलोसिटी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी का कुछ चीज़ ही गिवन नहीं है, वेलोसिटी तो दी हुई नहीं इन्होंने। इन्होंने मुझे क्या दीछा है? इन्होंने मुझसे फोर्स पूछी है, डिस्टेंस गिवन है। तो मैंने जो आपको बताया था कि बेटा हम कभी कभार वर्क को, काइनेटिक एनर्जी को या वर्क को मैं क्या रखूँगा, एफ इंटू एस भी रखूँगा या एम ए एस भी रखूँगा। तो समझ लें वही कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे जो वर्क हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिल रही है? इन टर्म ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ने क्या किया? वर्क ऑन नेल, पोटेंशियल एनर्जी के लॉस ने क्या किया है? वर्क ऑन नेल। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये एम जी एच बराबर हो गया एफ इंटू एस के। वर्क कितना हुआ है कि ये इतनी अंदर डिस्प्लेस हो गई। तो ये तो इसकी हाइट थी पोटेंशियल एनर्जी के लॉस की, और जिसने आप आके इसमें फोर्स अप्लाई की है, उस फोर्स ने क्या किया? स्टील को इतना अंदर पियर्स्ड कर दिया, अंदर चली गई। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सोचना पड़ता है। इन सवाल आते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। फॉर एफ, तो बेटा यहाँ से आपको एफ मिल जाएगा एम जी एच अपॉन एस। मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ कि 60 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, दोनों से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। तो मास कितना है? 4, जी की वैल्यू 9.8, और ये हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है? 0.6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म हो जाएगा, हमें फोर्स मिल जाएगी, और ये फोर्स हम क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि उसने कहा है रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? 3920 न्यूटन। 3920 न्यूटन। अब फोर्स मिल गई, एक्सेलरेशन निकालने फॉर ए, एस इज इक्वल टू एम ए, तो ए कितना आ जाएगा? एफ अपॉन एम, 3920 डिवाइड बाय 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 980। ओके, तो अच्छा सवाल था बेटा, इसको जरा सही से समझिएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। हमें हर जगह ये देखना होता है कि क्या मैकेनिज्म हो रहा है फॉर एफ। हर मरतबा ये नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, बिल्कुल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी वर्क की फॉर्म है, और यहाँ वर्क किस फॉर्म में हुआ है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में डेटा के बना था, कि उसने इतनी फोर्स लगाई और इतनी डिस्प्लेसमेंट की। नेगेटिव साइन अगर नहीं लगा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों नेगेटिव होते हैं। रिटार्डेशन, इतनी ही फोर्स हैमर पे लगी होगी और इतनी ही फोर्स हैमर ने नेल पर लगाई, एक्शन रिएक्शन बहुत आर सेम। अब ये सवाल बिल्कुल बेटा ऐसा ही है, अ मेटल स्फीयर इज ड्रॉप इनटू अ हाइट, एक मतलब मॉडल पेपर में आया था, ये लास्ट सवाल है आज के लेक्चर का बेटा, फिर आज का लेक्चर एंड हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, टू मैनी न्यूमेरिकल्स, लेकिन आप सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मत करिएगा, इसमें जो खास खास न्यूमेरिकल हैं उनकी करिएगा, वर्क एनर्जी पावर वाले। ये वाले सवाल बेटा अब नहीं आते, बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन 10 भी लास्ट क्वेश्चन, तो अ मेटल स्फीयर ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट इन 1 सेकंड स्ट्राइक अ सैंड एंड क्रिएट्स अ क्रेटर ऑफ 8 मिलीमीटर, फाइंड इट्स रिटार्डेशन। ओके, एक मेटल स्फीयर जो है
वो ड्रॉप हुआ है कितनी हाइट से, हाइट भी नहीं पता। और टाइम कितना है इसका, 1 सेकेंड। और उसने सैंड में एक जो है क्रिएटर, यानी कि उसने सैंड में गड़ा क्रिएट कर दिया है। उस गड़े की आपके पास हाइट कितनी है, इसको मैं एस मान रहा हूँ, 8 मिलीमीटर। उसका एक्सेलरेशन बताना है, पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो बेटा एक ही मेटल है स्फीयर, ये गिरा है एक मट्टी में, मान लीजिए रेत है। जब ये रेत में गिरा तो उसने क्या किया, इसने रेत में गिरकर इतना गड़ा क्रिएट कर, ये इसकी हाइट है, यानी इतना इसने इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कर दी एस, और ये कितनी है, 8 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम मीटर में कर लेते हैं तो डिवाइड बाय 1000 होगा, यानी कि 10^-3 मीटर। ठीक है जी। और ये 1 सेकंड में हुआ है, इसका जो टाइम कांटेक्ट है टी कितना है, 1 सेकंड। तो बताइए इस पर कितना एक्सेलरेशन इसका जो है डिसेलरेट हुआ, इसने इस पर कितनी फोर्स अप्लाई की, उसका आपने उस फोर्स का एक्सेलरेशन बताना है। क्योंकि जब ये उसके अंदर गया धसते धसते रुक गया, मट्टी के अंदर जैसे ही एंटर हुआ, अंदर जाकर रुक गया, तो इसलिए इसकी रफ्तार कम हुई है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब ये रेत के अंदर एंटर हुआ था तो उसकी रफ्तार ज़्यादा थी, जब ये फाइनल रफ्तार से क्या हो गई, जीरो हो गई, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर भी बेटा वही हमें अप्लाई करना होगा कि लॉस एंड, ये मान लीजिए इसकी हाइट है, हमें हाइट भी नहीं पता। हाँ ये पता है कि वी आई इसकी ज़ीरो हो गई, जब भी हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो इससे हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, फॉर हाइट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आई कितना है, जीरो है, हाफ 9.8 और 1 का स्क्वायर। तो बेटा हाइट कितनी आ गई इसकी, 9.8 डिवाइड बाय 2, तो 4.9 मीटर। चलिए तो बता दिया कि इसकी हाइट कितनी, 4.9। अब अगेन यहाँ पे हुआ क्या है, हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है कि यहाँ पे जिसने फोर्स लगाई वो कितनी है। तो फॉर ए हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस यहाँ पर किसके बराबर है, वर्क बाय मेटल ऑन सैंड, वर्क बाय स्फीयर ऑन सैंड, मट्टी में घुसने उसने वर्क किया। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसके बराबर होती है, एम जी एच के, और वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतनी डिस्प्लेसमेंट या इतना पियर्स हुआ है, इतना अंदर चला गया। तो बेटा फोर्स तो निकालनी नहीं, एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स को भी ओपन कर लेंगे, एम ए एस, एम जी एच, एम से एम खत्म। तो ए कितना हो जाएगा हमारे पास, जी एच अपॉन एस, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4.9 डिवाइड बाय 8 एक्सपोनेंट -3। तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ रहा है भाई, 6002.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव माने रिटार्डेशन है तो नेगेटिव लिख दिएगा, इसको नेगेटिव साइन लगा।
ठीक है जी। तो बेटा ये हमारे पास के सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के ऑलमोस्ट सारे। ज़्यादातर आप लोग जो हैं इसके जो शुरू के न्यूमेरिकल हैं उन्हीं पे फोकस करिएगा, खासकर ये पावर वाले और ये वर्क वाले। ठीक है बेटा, मैं ये जो फाइल है शेयर कर दूंगा आपसे, फॉर्मूला फाइल भी, और ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल करा दूंगा। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल हैं, तो फिर आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। ये इसकी फॉर्मूला शीट। ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।